वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 229 पे यहाँ पे क्लोजिंग डे फ्राइडे के दिन में कोल इंडिया स्टॉक में है। तो कोल इंडिया स्टॉक की फंडामेंटली नंबर्स चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर नजर डालेंगे। जैसे कि देख सकते हो कि मार्केट कैप जो है यहाँ पे 141,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो 6 है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा पी रेशियो है। बुक वैल्यू ₹70 का है। कंपनी का डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड भी 7.41% का, जो कि अच्छा डिविडेंड दे रहा है स्टॉक। आरओसी देखा जाए तो 54% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 43% का है और फेस वैल्यू देखा जाए तो ₹10 का है। कंपनी के सेल्स 1 लाख के ऊपर हो चुके थे और टैक प्रॉफिट जो है वो भी देख सकते हो 23,000 करोड़ का प्रॉफिट निकला है। EPS ₹37 का है और जो कंपनी को लोन है टोटल और 3,514 करोड़ का लोन है। तो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी पॉइंट के ऊपर भी ध्यान डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना जो डेब्ट है वो कम किया है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी बन जाएगी आने वाले समय में। स्टॉक यहाँ पे अच्छा डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों से ट्रैक पे है। कंपनी यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड पेआउट भी दे रही है और यहाँ पे डेब्टर्स डे भी देख सकते हो 57 डेज से 37 डेज पे इम्प्रूव हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। नेगेटिव पॉइंट के ऊपर नज़र डाली जाए, जैसे कि कंपनी ने पोर सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में तकरीबन, देख सकते हो। कॉन्टिंगेंट लाइबिलिटीज़ भी देख सकते हो 1,05,000 करोड़ के है। प्रोमोटर होल्डिंग भी देख सकते हो पिछले 3 सालों में कम हो चुके हैं 4.83% से। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कोल इंडिया स्टॉक के लिए।